अरे यार ये डिस्काउंट ऑफर किसने, तुमने तो नहीं लगाई? भाई मेरा दिमाग खराब है क्या, इतना बड़ा डिसीजन आपसे पूछे बगैर लूंगा? ये किसने किया है, वो भी हमारे ऑफिशियल पेज पे? एडमिन तुम दोनों ही हैं, फिर ये कौन कर सकता है? देखा, देखा, देखा। ये तो सुबह 9 बजे पोस्ट हुआ है। यार क्या करूं मैं? अच्छा मैं ना, जब मैं जाके बता रहा हूँ सबको, बाप का रेस्टोरेंट नहीं है ना, 70% का डिस्काउंट दे दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारी रेपो का सवाल है भाई। रेपो की वजह से आप 1.5 लाख का इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं यार, यार ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, सबको कैसे संभालेंगे, कौन कर सकता है? ये जरूर टेस्टी फूड वालों का मसला है, उन्हीं को मसला था हमारी प्रोग्रेस से, उन्हें किसी को हायर किया होगा हैकिंग के लिए, हमारा पेज हैक किया होगा, वहां पे 70% की ऑफर लगेगी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। एक मिनट, एक्सपर्ट हैकर तो सिर्फ एक ही है, वो साशा कुतुबुद्दीन। क्या क्या मतलब? मतलब ऐसी तमाम चीप और घटिया हरकत जो है ना, वो सिर्फ उनके घर से आ सकती है। कल ना प्रोफेसर जाबिर जो है उनको इंजेक्शन लगा और आज हमारी तो फुल सर्जरी। वो क्यों करेगी ऐसा? आप माने ना माने, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब तो प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा हमें। भाई हमें प्रेशर कुकर लेके मैं उनका सर फोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये पोस्ट हम अभी हटाते हैं और जितने भी गेस्ट अभी हैं उनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। भाई बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो हो चुका है लेकिन अपने रेस्टोरेंट की इज्जत को हम नहीं जाने देंगे, लोग ट्रस्ट छोड़ देंगे हमारे रेस्टोरेंट पे। वो क्या मुसीबत है, काश मैं ना गाजर मूली की तरह उनको बस काट काट के मैं स्टर फ्राई करके मैं